क्रिकेट में भारत ने रचा इतिहास, जावेलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने मेडल जीता। जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल शॉट कोरोना वैक्सीन को भारत में मंजूरी, अगले दो हफ्तों में उपलब्ध होगा टीका। गोवा में एंट्री के लिए नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट या कोविड 19 वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाना अनिवार्य। बजरंग पुनिया ने जीता कांस्य ओलंपिक में, भारत को एक और मेडल मिला। तालिबान ने अफगानिस्तान की दूसरी प्रांतीय राजधानी शेरबंद शहर पर कब्जा किया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आइए नजर डालते हैं मध्य प्रदेश की बुलेटिन पर। भोपाल के मिंटो हॉल में राज्य स्तरीय कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित किया। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश में राशन पाने वाले 4 लोगों से बात की। उन्होंने इन परिवारों की रोजी रोटी और बच्चों की पढ़ाई के बारे में भी जानकारी ली। मोदी ने कहा कि टोक्यो ओलंपिक में हॉकी खेल में बेटियों ने कमाल कर दिया, इसमें से कई बेटियां गरीब परिवार से थी। पीएम ने कहा कि देश ने 50 करोड़ वैक्सीन के डोज लगाने के टारगेट को पूरा कर लिया है। आत्मनिर्भर होते ही भारत का यह नया सामर्थ्य है। पहले मध्य प्रदेश में बड़े बड़े घोटाले की खबरें आती थी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत और सस्ता राशन जो मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश सरकार भी 1 रुपया किलो गेहूं चावल और नमक देती, वो अतिरिक्त है और कुल मिला के 7,441 करोड़ रुपए की लगभग सब्सिडी ये अन्न देने में की जाती है। सचमुच में अगर देखें तो भारत सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और राज्य सरकार गरीबों की हर जरूरत पूरी हो, रोटी, मकान, दवाई, बच्चों की पढ़ाई, इलाज, उसमें कोई कसर नहीं छोड़ रही, क्योंकि समृद्धि और विकास का अर्थ तब है जब विकास का प्रकाश गरीब आदमी तक पहुंचे, आम आदमी तक पहुंचे। गरीब की समृद्धि के बिना समृद्धि की बात करना बेईमानी है, इसको प्रधानमंत्री जी ने समझाया और उनके नेतृत्व में राज्य सरकार भी गरीब कल्याण की अनेकों योजनाएं चला रही। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा अपने 2 दिवसीय दौरे पर इंदौर पहुंचे। सबसे पहले वे भाजपा कार्यकारी पहुंचे और बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए इंदौर में जहरीली शराब से हुई 6 लोगों की मौत पर दुख जताते हुए प्रदेश में जल्द ही गैंगस्टर एक्ट लाने की बात कही। उन्होंने कहा कि ऐसे में शराब माफिया, अवैध वसूली करने वाले और सरकारी अधिकारियों पर हमला करने वालों को अब बख्शा नहीं जाएगा। इस नए एक्ट को विधानसभा में पास करके ऐसे अपराधियों को सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाएगी। वहीं इस एक्ट के लागू होने के बाद स्पेशल कोर्ट भी बनाई जाएगी। इसी के साथ गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर भी तंज कसते हुए उन पर जमकर हमला बोला। देखो, शराब का एक्ट जो बना हुआ है, वो शराब का एक्ट ऐसा था कि 34 में आपको अभी बंद किया और अब आप अभी छूट गए, तो दहशत जो एक अपराधी के मन में आनी चाहिए कानून की, वो कानून के अंदर वो दहशत नहीं रहती है। एक और जो अमानक शराब आ जाती है उससे परिवार का परिवार अस्त व्यस्त हो जाता है, तो जो इतना गंभीर अपराध कर दे उसकी सजाए मौत भी ना हो तो क्या मतलब है। तो एक अपराधी में भय, दूसरी कड़ी सजा और जुर्माना, 2, 3, 4 आप पढ़ेंगे, चारों के अंदर हमने संशोधन किया है और उन चारों के संशोधन के पीछे जुर्माना भी हम 25 लाख तक ले गए, 20 लाख, 10 लाख, 25 लाख और आजन्म कारावास, फांसी की सजा अलग अलग खंडिका में अलग। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने पत्रकारों से बातचीत की, जहां उन्होंने अन्न उत्सव पर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आज पूरे प्रदेश में मोदी जी की मुफ्त अनाज की सौगात देंगे, जिसको लेकर अन्न उत्सव मनाया जा रहा है। इससे लाखों उपभोक्ताओं को अनाज मिलेगा। वहीं दीपावली तक
यह अभियान चलाया जाएगा। अन्य उत्सव के माध्यम से किसी गरीब की थाली को खाली नहीं रहने देंगे। वहीं उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। अब देखिए किस बात की नजर रखेगी वो, उन्होंने तो गरीब के हित में कोई काम किया नहीं। कांग्रेस की सरकार जब मध्य प्रदेश में थी और 15 महीने कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो राशन की दुकानें काला बाजारियों का अड्डा बन गई थी। किसी भी गरीब को, किसी भी हितग्राही को अनाज नहीं मिलता था। कांग्रेस ने केवल भ्रष्टाचार और काला बाजार को मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने बताया कि मौसम विभाग बारिश व बाढ़ की पूर्व जानकारी देता है, उस हिसाब से सरकार को सतर्कता बरतनी चाहिए। कई क्षेत्रों में आज हालात बेहद भयावह हैं, सब कुछ तबाह हो चुका है, तत्काल राहत के आवश्यक कदम उठाने की जरूरत है। मुख्यमंत्री शिवराज आज के समय में दिखावे और ड्रामे कर रहे हैं। वो बाढ़ प्रबंधन पर, उसकी पूर्व जानकारी पर, उससे निपटने को लेकर सरकार ने क्या तैयारियां की, सारी पूरी जानकारी प्रदेश की जनता को बताएं। आज ये राजनीति का मौका नहीं, पर आवश्यक है कि हम सुझाव दें, और पूरी मदद करें, सुझाव दें राज्य सरकार को, मुख्यमंत्री को। इस आपदा में, इस प्रकार की आपदा मैंने कभी देखी नहीं, जो मैंने आज देखी। इसके बाद मैं शिवपुरी और शिवपुर जा रहा हूँ, पूरे ग्वालियर चंबल संभाग प्रभावित है। छोटी सड़कें हों, बड़ी सड़कें हों, हजारों हेक्टर जमीन नष्ट हुई है, फसल नष्ट हुई है, इसका कैसे आकलन किया जाएगा जो फसल। इंदौर में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पूर्व सीएम कमलनाथ पर निशाना साधा है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कमलनाथ को बाढ़ पीड़ितों के बीच जाकर उनकी मदद करनी चाहिए। बता दें कि नरोत्तम मिश्रा रेसिडेंसी से निकलते ही बीजेपी नेता मधु वर्मा के घर पहुंचे, जहां वर्मा के परिवार और कई नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इसी के साथ उन्होंने पूर्व सीएम कमलनाथ को लेकर यह भी कहा कि वे पीड़ितों से मिलने नहीं जाएंगे, बल्कि वो सिर्फ आधे रास्ते से ही वापस लौट आएंगे। इच्छा है कि बाढ़ प्रभावित गांव में जरूर जाए। आपने कल ही कहा था कि वो केवल सोशल मीडिया पे एक्टिव है, आपकी बात मान ली क्या उन्होंने? नहीं मानी कहा है मेरी बात, मैं तो कह रहा हूँ जाए बाढ़ के बीच, मैं अभी भी वही कह रहा हूँ जो सब कह रहा था, जाए। सिवनी के विकासखंड छपारा में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्नोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के तहत लोगों को निशुल्क राशन वितरण किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से मुख्य अतिथि के रूप में युवा भाजपा नेता जावेद रजा और राजा बरमैया उपस्थित रहे। कार्यक्रम में गरीबों के हितों के लिए चलाई जाने वाली जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। हरदा के टिमरनी तहसील के ग्राम पंचायत भरवास में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत बीपीएल कार्ड धारकों को निशुल्क राशन वितरण किया गया, जिसमें सभी ग्रामीण उपस्थित हुए। शासकीय उचित मूल्य दुकान डीलर मुकेश राजपूत के द्वारा राशन वितरण किया गया। साथ ही ग्राम पंचायत में बड़े धूमधाम से अन्न महोत्सव बनाया गया, जिसमें ग्राम पंचायत कार्यालय में रंगोली बनाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष धर्मेंद्र पाल के द्वारा सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण करके किया गया। जी आपको बता दें कि कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष धर्मेंद्र पाल के द्वारा सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण करके किया गया।
रायसेन के सलवानी में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत निशुल्क राशन वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पीएम मोदी के संबोधन का लाइव प्रसारण हितग्राहियों को दिखाया गया। कार्यक्रम में विशेष रूप से युवा भाजपा नेता दुर्गेश सिंह राजपूत, भाजपा मंडल अध्यक्ष विजय शुक्ला सहित विधायक प्रतिनिधियों के द्वारा हितग्राहियों को थैलों में रखा राशन बांटा गया। नगर में स्थित शासकीय उचित मूल्य की 4 राशन दुकानों के अलावा अन्य 68 राशन दुकानों पर भी अन्न उत्सव मनाया गया। इंदौर के चंद्रभागा में निगम के रिमूवल दल ने एक जर्जर भवन को ध्वस्त किया, जहां पुलिस थाना रावजी बाजार की मौजूदगी में यह कार्रवाई हुई। बता दें कि इंदौर में बारिश के मौसम को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा की दृष्टि से कई बार जर्जर मकान गिरकर एक बड़ी दुर्घटना को आमंत्रित करते हैं। ऐसे ही मकानों को नगर निगम द्वारा चिन्हित किया गया, जो मकान 100 वर्ष या उससे अधिक का समय पूरा कर चुके या फिर जिन मकानों की काफी जर्जर स्थिति में है, ऐसे मकानों को नगर निगम द्वारा लिस्ट तैयार कर ध्वस्त किया जा रहा है। अभी तक 2 दर्जन जर्जर मकानों को ध्वस्त करने का काम निगम द्वारा किया जा चुका है। निगम अधिकारी लता अग्रवाल ने जानकारी दी कि जोन क्रमांक 12 के चंद्रभाग स्थित दीपक बिरथरे के जर्जर भगवान भवन को ध्वस्त किया गया। निगम अधिकारी की माने तो यह मकान काफी खराब स्थिति में था और यहां जान माल की हानि होने का खतरा भी बना हुआ था। वहीं निगम अधिकारी लता अग्रवाल का कहना है कि लगातार शहर में जर्जर मकानों को चिन्हित कर आगे की कार्यवाही की जाएगी। फिर अभी चंद्रभागा में ये कार्रवाई चल रही है। चंद्रभागा में कोई दीपक बिरथरे हैं, उनका मकान भी बहुत ही खराब स्थिति में था। उस मकान को पूरा विधिवत हम लोगों ने खाली करा के और उसको अभी तोड़ा। नहीं नहीं, कोई मकान में कोई विवाद नहीं हुआ, कोई किरायेदारी का ऐसा कोई पॉइंट भी नहीं था। पूरा मकान हम लोगों ने अच्छे से खाली करा के तलाशी लेके उसके अन्न महोत्सव योजना के अंतर्गत सीहोर जिले के प्रभारी मंत्री प्रभुराम चौधरी ने ग्राम नपलखेड़ी में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का शुभारंभ किया। योजना के तहत प्रत्येक नागरिक को निशुल्क अनाज का वितरण सुनिश्चित किया गया। इस योजना के तहत 25,435 उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से प्रदेश के लाभार्थियों को राशन वितरित किया गया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में त्रिपुरा के कृषि मंत्री प्राण राय भी मौजूद रहे। जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना बनाई, जब पहली लहर थी तब भी गरीब लोगों के लिए राशन जो रूटीन में मध्य प्रदेश में 1 रुपये किलो में दिया जाता था माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उसको 5 किलो प्रत्येक माह फ्री में दिया गया। और जब सेकंड लहर आई तब भी पहले अप्रैल से नवंबर तक दिया गया था, अभी भी मई से नवंबर तक का दिया जा रहा है। आज पूरे मध्य प्रदेश की 25,400। इंदौर क्राइम ब्रांच ने ऑपरेशन प्रहार के तहत 1,10,00,000 रुपए की ड्रग्स बरामद की है। पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। बरामद की गई SDMA ड्रग्स का आरोपी द्वारा मंदसौर से राजस्थान, मुंबई और चेन्नई भेजा जा रहा था। आपको बता दें कि पिछले कुछ महीने पहले इंदौर पुलिस द्वारा 70 किलो MDMA ड्रग्स पकड़ी गई थी, जिसमें अभी तक 25 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस ने 1 किलो से ज्यादा MDMA ड्रग्स के साथ अयूब शाह को छत्रपति शिवाजी चौराहे से गिरफ्तार किया है। 70 kg MD सीज हुई थी, जिसमें करीब 33 आरोपी अरेस्ट हो चुके हैं। उन मामलों के आरोपियों से जब पूछताछ की गई थी, उनका पूरा नेटवर्क की जानकारी लेकर जो है नेटवर्क चार्ट बनाया गया था, उसमें इसका महत्वपूर्ण रोल था। उनके मेन आरोपियों से ये कनेक्टेड है, जिसमें रईस हैं, दिनेश हैं, वेद व्यास हैं, सबसे बातचीत करता था, मेलजोल था इसका और उस बेल्ट के। मंदसौर जिले में लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर जिले कहीं जगहों पर निचली बस्तियों में पानी भर गया है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
ऐसा ही मामला नाहरगढ़ से सामने आया है, जहां लगातार बारिश होने से थाने सामने तालाब ओवरफ्लो हो गया है। तालाब के पास वाले कई घरों में पानी भर गया है। वहीं रहवासियों को इस वजह से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रहवासियों द्वारा जिम्मेदार को मामले की सूचना दी गई है, पर मामले की सुनवाई नहीं हुई। रहवासियों ने आरोप लगाया है कि थोड़ी सी बारिश में घरों में पानी घुस जाता है, जिससे इस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। रोड रोड जा रहा था पानी, इधर मेरे घर पास नाला निकल गया, सब घर में गीला हो गया पूरा। सरपंच को दीजिए, सरपंच आई नहीं हो तो पैसे खा गए ना। प्रदेश में गौशालाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही हैं। ताजा मामला सीहोर के नसरुल्लागंज में ग्राम पंचायत निमोटा का है, जहां बनाई गई गौशालाओं की स्थिति काफी ज्यादा खराब है। गौ माताओं के लिए खाने तक की व्यवस्था सही ढंग से नहीं की गई है। वहीं मवेशियों को पेट भर भूसा और चारा भी नहीं मिल रहा है। भूख और प्यास से गोवंश दम तोड़ रहे हैं। बताया गया है कि ग्राम पंचायत निमोटा में गौशाला भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। एक साल में ही भूसे के भंडारण कक्ष खाली हो गए हैं। इतना ही नहीं, गौशालाओं में गंदगी का अंबार भी दिखाया दे रहा है। इसी वजह से अब गायों को बैठने के लिए भी साफ सुथरी जगह भी बिल्कुल भी बची नहीं रह गई है। इन आरोपों के साथ साथ ये भी जानकारी मिली है कि गौशाला में काम करने वाले चौकीदारों को भी 8 महीने से वेतन नहीं मिला है। रतलाम में गुंडों की दबंगई की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में सामने आई है। अवैध वसूली की मांग करते हुए जब दुकान मालिक ने पैसे देने से इनकार कर दिया, तो गुंडों ने दुकान में ताबड़तोड़ फायरिंग की। गुंडों की तोड़फोड़ की तस्वीर सीसीटीवी में कैमरे में कैद हो गई है। बदमाशों की इस हरकत के इलाके से लोगों में काफी ज्यादा डरे हुए हैं और इलाके में दहशत का भी माहौल है, और बेखौफ बदमाशों की इन हरकतों ने पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े किए हैं। वारदात ये हुई, 3 बजे आया था वो, 3 बजे आया और ब्लू कलर की पल्सर थी उसके साथ आया, और वो क्या बताओ ना कि मेरे को 500 रुपए चाहिए। मैंने कहा भैया पैसे नहीं है, तो उसने कहा वह पैसे नहीं तो देख लेना शाम को। मैं तो अच्छा कोई बात नहीं, देख लेंगे। आया और उधर से आके कांच वगैरह फोड़ना चालू कर दिया उसने, गले में से पैसे निकालना चालू कर दिया, और चिल्लर का दामा था उसने रोड पर फेंक दिया। कौन था, क्या था, किसको पहचानते? ये एक को पहचानता हूँ ना, वारदात अक्षय मालवी करके है, और पहले भी ये क्या नाम पिस्तौल फायर। रतलाम में पेट्रोल पंप पर खड़े ट्रक से 35,000 नगद और मोबाइल को एक संदिग्ध व्यक्ति ने गायब कर दिया। चोरी की जानकारी जब ट्रक चालक को हुई थी तो उसने शातिर की तलाश पेट्रोल पंप पर ही शुरू कर दी, लेकिन कोई फायदा नहीं मिला, जिसके बाद लूट के मामले में पुलिस ने शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने फौरन कार्रवाई भी शुरू कर दी है। जानकारी मिलने के बाद SDOP भी घटना स्थल पर पहुंच गए। इसी के साथ मध्य प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही, और अधिक खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम TV। नमस्कार।